इस वीडियो में हम लोग आज इकोलॉजी एनवायरमेंट का नेक्स्ट टॉपिक लेते हुए ऑड इकोलॉजी क्या है इस पर फोकस करेंगे, सीन इकोलॉजी क्या है इस पर फोकस किया जाएगा, स्पीसीज क्या होता है, इकोफीन, इको टाइप और इकोटोन और नीच पर हम लोग फोकस करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि इकोलॉजी का ही एक टू फॉर्म्स होता है, इकोलॉजी का ही टू फॉर्म्स होता है जिसको दो रूप होते हैं, जिसमें एक को हम ऑड इकोलॉजी कहते हैं, दूसरे को हम सीन इकोलॉजी कहते हैं, है ना। और यहां पर जो स्टार्टिंग में टर्म दिया गया है ऑड इकोलॉजी, अगर इसको स्प्लिट किया जाए तो एक ऑड बन जाएगा, एक इकोलॉजी बन जाएगा। ऑड का बेसिकली मतलब होता है जिसमें सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम हो, तो इसमें सेल्फ का मतलब सिंगल से है ना, सिंगल से है। तो ऑड इकोलॉजी में हम लोग स्टडी क्या करते हैं, कभी ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ ले जाए ऑड इकोलॉजी रेफर्स टू, तो उसके उस टाइम पर आप इसमें समझ के चलेंगे कि स्टडीइंग द इकोलॉजिकल रिलेशनशिप ऑफ सिंगल स्पीसीज। जब किसी हम सिंगल स्पीसीज का इकोलॉजिकल रिलेशनशिप स्टडी करते हैं तो समय उसको हम लोग कहते हैं ऑड इकोलॉजी। मतलब किसी भी एनवायरमेंट में, किसी भी इकोसिस्टम में बहुत सारे टाइप का स्पीसीज हो सकता है ना, बहुत सारे टाइप की स्पीसीज हो सकती हैं वहां पर। अगर हम ग्रासलैंड बायोम, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बायोम की बात करें तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बायोम में डिफरेंट टाइप की ग्रासेस होंगी, श्रब्स होंगी, उसके बाद में एलिफेंट ग्रास टाइप का होता है, फिर उसके बाद हिप्पोपोटामस होगा, जेब्रा होगा, बफलोज होता है, तो बहुत सारे टाइप की स्पीसीज यहाँ पर लाई करता है। तो उसमें किसी एक सिंगल स्पीसीज का उस इन्वायरमेंट के साथ में जब हम रिलेशनशिप का स्टडी करेंगे तो उस समय उसको हम क्या कहते हैं, ऑड इकोलॉजी कहते हैं, है ना। ऑड इकोलॉजी इट इज एसोसिएटेड टू स्टडी द इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, इकोलॉजिकल सिस्टम of a single species with respect to the environment, that is called ऑड इकोलॉजी। और इसके बाद में जब सीन इकोलॉजी की बात करेंगे, सीन का मतलब एक प्लूरल सेंस में यूज किया जाता है इस टर्म को, है ना। सीन इकोलॉजी में होगा कि अगर एनवायरमेंट के किसी हैबिटाट के बहुत सारे जो कम्युनिटी में स्पीसीज हैं उन सब का एनवायरमेंट के रेफरेंस में जब स्टडी किया जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे सीन इकोलॉजी, राइट। काइंड ऑफ इकोलॉजिकल रिलेशनशिप स्टडी, काइंड ऑफ इकोलॉजिकल रिलेशनशिप स्टडी मतलब एक ऐसा इकोलॉजिकल रिलेशनशिप का स्टडी है ना, एसोसिएटेड टू ऑल स्पीसीज ऑफ द कम्युनिटी, है ना, एसोसिएटेड टू ऑल स्पीसीज ऑफ द कम्युनिटी। उस कम्युनिटी में जहां पर वो सिस्टम डेवलप हुआ है उस सभी कम्युनिटी के जो स्पीसीज है अगर उसका हम इकोलॉजिकल रिलेशनशिप का स्टडी करते हैं तो सब उसको सीन इकोलॉजी की। सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि जितने भी स्पीसीज वहां पाई जाती है उसका अगर हम टुगेदर एनवायरमेंट का इफेक्ट हम उसका टुगेदर देखते हैं, एक साथ में देखते हैं तो उस सिस्टम को हम कहते हैं सीन इकोलॉजी, है ना। इकोलॉजी का ये दो ब्रांच हो जाता है, दो एक वे हो जाता है, प्रोसेस आता है जिसके बेसिस पे हम यहाँ स्टडी करते हैं। अगला पॉइंट आता है स्पीसीज। जनरली हम इस टर्म को ज्यादातर यूज करते रहते हैं, स्पीसीज क्या है, प्लूरल में स्पीसीज होता है और सिंगुलर में स्पीसी कहते हैं, स्पीसी, राइट। तो स्पीसी का मीनिंग है ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स एंड कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग जीन्स और ऑफ इंटरब्रीडिंग, है ना। इंटरब्रीडिंग के लिए क्या है, वो कैपेबल होगा, कैसा दिखना चाहिए, सिमिलर इंडिविजुअल्स। जैसे हम होमो सेपियंस की बात करें, ह्यूमन बींग्स की हम बात करते हैं, तो हमारा जो डिफरेंट कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो अलग अलग टाइप का रेस है, जैसे मंगोलॉयड रेस है चीन का, और क्या कहते हैं मंगोलिया कंट्री है, उसके बाद में साउथ ईस्ट एशियाटिक नेशंस में, उन सभी जगहों पर आपको लगभग क्या है, कंट्री इंडिया में भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में आपको क्या कहते हैं मंगोलॉयड रेस का पीपल मिलेगा, है ना। लेकिन वो एक रेस है जो कि एनवायरमेंटल क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बेसिस पे क्रिएट हुआ है, डेवलप हुआ है, लेकिन वहां पर आपको जो वहां का है ना, आपको क्या कहते हैं
दूसरे टाइप का अगर रेस हम कंसिडर करेंगे, तो जिसमें अगर निग्रोड की बात करते हैं, नॉर्डिक की बात करते हैं, है ना, तो ये सभी जो रेसेस है, डिफरेंट डिफरेंट जो रेसेस है, ये एक ही स्पीसीज का पार्ट है और इनका जीन ट्रांसफर पॉसिबल है, मींस दे हैविंग द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ओन काइंड ऑफ स्प्रिंग्स, है ना, अपने जैसा जो क्या कहते हैं बेबीज को बर्थ देने के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस में कैपेबल होता है ना। तो ये रेस डिफरेंट डिफरेंट है, निग्रोड है, नॉर्डिक है ना, मंगोलॉइड है, अलग अलग तरह का रेसेस है, लेकिन स्पेसीज एक ही है। तो स्पेसीज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, है ना, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स एंड कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग जीन्स, जीन्स को एक्सचेंज कर सकता है ना, या फिर इंटरब्रीडिंग टर्म आप यहां पर यूज कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इकोफीन। इकोफीन क्या है कि इकोफीन का सेंस होता है चेंज्ड मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, जो मॉर्फोलॉजिकल का मीनिंग है, जो अपियरेंस है, अगर वो चेंज फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इकोफीन। किस वे में? ड्यू टू चेंज इन द एनवायरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के एनवायरमेंट को अगर चेंज किया जाए तो ऐसी कंडीशन में उसका जो अपियरेंस है आउटलुक चेंज हो जाएगा, अपियरेंस उसका क्या होगा चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये तो सिचुएशन, लेकिन वो आपका जो माइग्रेशन है, अगर एनवायरमेंट चेंज हुआ मतलब माइग्रेशन होगा, अगर माइग्रेशन किया तो माइग्रेशन टेम्परेरी होगा, और माइग्रेशन टेम्परेरी होने के कारण जो मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम उसका चेंज होगा, अपियरेंस जो फिजिकल अपियरेंस चेंज होगा वो भी टेम्परेरी होगा, है ना। समझते दोबारा से, ड्यू टू चेंज इन द एनवायरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इट्स अपियरेंस चेंजेस टेम्परेरली, अपियरेंस उसका टेम्परेरली चेंज होगा, है ना, टर्म्ड एज इकोफीन और इकैट्स, उसको हम इकोफीन या इकैट्स भी कहते हैं, कभी कभी टर्म अगर इकैट्स कह देता है तो उसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई मिड लेटिट्यूड्स में अपर पार्ट, मतलब 50-60 डिग्री लेटिट्यूड पर जो लोग रह रहे हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं, उनका कलर जो है कंपैरेटिवली जो ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं, जैसे इंडिया के लोग हैं सब ट्रॉपिकल रीजन में, उनसे थोड़ा सा ब्राइट कलर होता है ना। और अगर वो कुछ साल के लिए, 2-4 साल के लिए ट्रॉपिकल रीजन के किसी कंट्री में माइग्रेट कर जाते हैं तो उनके स्किन का कलर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। और स्किन का कलर डाउन क्यों? क्योंकि दे नाउ स्टार्ट टू लिव इन हाई डिग्री टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट, हाई डिग्री टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट में रहेंगे, सनलाइट का इफेक्ट ज्यादा आएगा, स्किन से सनलाइट जितना ज्यादा पड़ेगी उसके हिसाब से मेलानिन पिगमेंट एक होता है वो सिक्रीट होता रहेगा, और मेलानिन पिगमेंट जिस लेवल पर सिक्रीट होगा उसी हिसाब से कलर डार्क होता जाएगा। यही कारण भी है कि जो ट्रॉपिकल रीजन में कंट्रीज है वहां के लोग जनरली क्या है डार्क कलर के होते हैं, और जो पोलर रीजन में है वो थोड़ा सा वाइटिश हो जाते हैं, ल्यूकोडर्मिक स्किन हो जाएगा, और जो मिड लेटिट्यूड्स में उनका है ना कलर थोड़ा सा ब्राइट होता है। तो इस तरह से पास में, बट अगर उनका कलर थोड़ा सा डाउन हुआ पर वो फिर दोबारा से 2-4 साल बाद में अपने मतलब पहले के एनवायरमेंट में, है ना, जो उनका टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशंस था, मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशंस जो था, दोबारा से वहां मूव कर जाएंगे तो कुछ समय के बाद में उनका जो फिजिकल अपीयरेंस था फिर से वही गेन हो जाता है ना। तो इकोफीन का मतलब यही है कि इफ वी चेंज द एनवायरमेंट और हैबिटेट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म एनी इंडिविजुअल फॉर टेम्परेरी बेसिस, टेम्परेरली देर इज रिकॉर्डेड मॉर्फोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, है ना, मॉर्फोलॉजिकल और अपियरेंस जो है उसका टेम्परेरली चेंज होता है, ऐसी सिचुएशन में हम उसको क्या कहेंगे, इकोफीन कहते हैं, है ना। और इसका अपोजिट सिचुएशन है इकोटाइप, है ना। इकोटाइप क्या है कि अगर कोई भी स्पीसीज का पूरा माइग्रेशन हो जाए, या कोई इंडिविजुअल है लिविंग ऑर्गेनिज्म है माइग्रेट कर जाता है और लंबे समय के लिए,
50-40 साल के लिए है ना माइग्रेट कर जाता है, तो उसका जो अपीयरेंस चेंज हुआ था वो परमानेंट होने लगता है ना, और उसका अपीयरेंस जो चेंज हुआ था परमानेंट होने लगता है, ऐसी सिचुएशन में है ना वो क्या कहलाएगा, इकोटाइप कहलाएगा है ना, परमानेंट मॉर्फोलॉजिकल चेंज्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यू टू लॉन्ग टर्म लॉन्ग ड्यूरेशन चेंज इन द फिजिकल एनवायरमेंट और द नेचुरल हैबिटेट रेफर्ड एज द इकोटाइप। हम उसको क्या कहते हैं, इकोटाइप कहते हैं राइट। तो इकोटाइप का सीधा सा संबंध इकोफीन से ही है, इकोफीन की जो प्रोसेस है अगर लॉन्ग टर्म के लिए होगी तो फिर दोबारा से उसको हम अपने रिवर्स स्टेज में नहीं ला सकते। जैसे कोई व्यक्ति है ना, लगातार वो 20-30 साल किसी भी गर्म ठंडे से गर्म क्षेत्र में आकर रहना शुरू कर देगा, तो उसका अगर कलर एक बार डाउन हो गया, जीन में तो ऐसा नहीं आएगा लेकिन उसका जो अपीयरेंस है दोबारा से उसका रीगेन नहीं हो सकता, इसलिए उसको हम ऐसी कंडीशन में हम उसको कहते हैं इकोटाइप। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में इकोलॉजी एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक में पूछा जाता रहता है, इसलिए आप सभी इसको बहुत ध्यान से समझ लेंगे और पढ़ते रहेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है इकोटोन राइट। इकोटोन क्या है, तो इकोटोन का एक्चुअली रिलेशन इकोसिस्टम से है, एंड आई हैव टॉट अर्लियर इन अर्लियर वीडियोस रिलेटेड टू इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में हम पहले डिस्कशन यहां पर कर चुके हैं, और इकोसिस्टम से इकोटोन बनता है ना, इकोसिस्टम से ही आपको इकोटोन का कंसेप्ट बनता है ना। तो इकोसिस्टम क्या है, एक कोई एनवायरमेंट है, इस तरह से मैं इसको बना देता हूं यहां पर डायग्राम की फॉर्म में। एनवायरमेंट ऐसा है यहां पर कि ये माउंटेन्स है, यहां पर कुछ पेड़ पौधे हैं और ये वाटर बॉडी है ना। तो यहां पर एक्वाटिक लाइफ है, एक्वाटिक लाइफ यहां होगा ऑब्वियसली, और यहां पर टेरेस्ट्रियल लाइफ होगा राइट। टेरेस्ट्रियल लाइफ यहां पर मिलेगा, मतलब कॉन्टिनेंट पर लैंड पर वाला जो लाइफ होता है उसको हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं। एक्वाटिक लाइफ है, प्लांट्स यहां पर मिलेंगे, यहां ग्रासेस होंगी, सी वीड्स होगा। तो इस तरह से सिस्टम है यहां पर, इसने जो यहां पर एनवायरमेंट बनाया ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बनेगा, यहां एक्वाटिक इकोसिस्टम बनेगा ठीक है। यहां से एक नदी बह के आ रही है राइट, नदी बह के आती है और ये जहां पर मिलेगी नदी रिवर उसको कहा जाता है, इस जंक्शन को है ना, ज्वाइनिंग पॉइंट और जोन ऑफ रिवर एंड द ओशियन और सी इज कॉल्ड एस्चुरी। इसको हम लोग कहते हैं एस्चुरी कहते हैं राइट, एस्चुरी कहते हैं। तो इस एस्चुरी में क्या होगा, रिवर का फ्रेश वाटर मिलेगा और ओशियन का सेलाइन वाटर, तो इससे सेलिनिटी एवरेज हो जाती है, सेलिनिटी थोड़ा सा कम हो जाती है, और सेलिनिटी कम होने की वजह से यहां पर जो स्पीसीज मिलेंगी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, वो आपको रिवर वाले भी मिलेंगे जो फ्रेश वाटर के हैं वो भी यहां पर पाया जाएगा, और सेलाइन वाटर का जो ओशियन का लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी यहां पर मिलेगा है ना। तो ऐसे सिचुएशन में जहां पर दो टाइप का इकोसिस्टम है ना, दो इकोसिस्टम जिस जोन में कन्वर्ज होते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं है ना, इकोटोन कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है इकोटोन को, इट इज अ जोन और जंक्शन ऑफ टू और मोर देन टू इकोसिस्टम्स राइट, टू और मोर देन टू इकोसिस्टम्स, देन इट इज कॉल्ड है ना इकोटोन। अगर दो या दो से अधिक इकोसिस्टम किसी एक जंक्शन किसी एक जोन में अगर क्या करेगा, कन्वर्स करता है एक साथ में, तो उसको हम लोग कहते हैं इकोटोन। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। तो आप इसको दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं, अ जोन ऑफ अ जोन एक्सपीरियंसिंग कन्वर्जेंस ऑफ टू और मोर देन टू इकोसिस्टम दैट इज कॉल्ड इकोटोन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जांपल हमने एस्चुरी के लिए, इसमें फ्रेश वाटर लाइफ भी मिलेगा और सेलाइन वाटर लाइफ भी मिलेगा। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जो सवाना ग्रासलैंड है उसके इंटीरियर पार्ट में आपको मिलेगा
हॉट डेजर्ट्स, जो सवाना ग्रासलैंड भाई ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, अफ्रीका का अगर हम यहां पर मैप बनाते हैं राइट, तो ये एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कह रही है, इसके बाद में यहां पर ये सवाना है और ये सवाना हो जाता है और ये डेजर्ट सहारा डेजर्ट मिल जाएगा, यहाँ नामी डेजर्ट है ना, बहुत क्या कहते हैं कालाहारी डेजर्ट, ऐसे भी डेजर्ट मिल जाएंगे, तो डेजर्ट्स का जोन है। अब जो सवाना ग्रासलैंड है इसमें जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है इसके भी ट्रीज मिलेंगे, वुडलैंड सवाना होता है ना, सवाना के भी कई सारे टाइप, ग्रासलैंड सवाना, वुडलैंड सवाना है ना, तो यहां पर ट्रीज भी मिलेगा। और जो डेजर्ट्स है इसका भी यहां पर क्या होगा, डेजर्ट्स की जो थॉर्नी वेजिटेशन है, वहां के एनिमल्स है, उसका भी प्रेजेंस ही सवाना में मिलेगा। तो सवाना राइट नाउ प्लेस एज द रोल ऑफ जंक्शन और इकोटोन फॉर डेजर्ट बायोम एज वेल एज दिस फॉरेस्ट बायोम दैट इज एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बायोम। कॉन्गो का यहां पर जो फॉरेस्ट बायोम है, एवरग्रीन फॉरेस्ट बायोम है, उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इस तरह से इकोटोन का कंपोनेंट हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट कंपोनेंट आता है नीच, जिसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बनाऊंगा है ना, और सभी लगातार इस वीडियो को देखते रहें, और इकोलॉजी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो ये मेरा नंबर है 8800380401, इस पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं है ना। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।